आप? आगरा। आगरा हाँ। कितने की आएगी? ये सर कॉस्ट करी अराउंड 12 लाख। फोर सिलेंडर बाइक है सर, इसलिए महंगी है। ये उसके लिए है सर, जब आप स्पीड में हो ना, या जब ट्रैकिंग कर रहे हो तो वो टकिंग करने के लिए है वो। तो ये वाला एरिया, हेलमेट वाला एरिया, इससे क्या होता है और आता है, तो इससे जो एयर फ्लो है ना, स्पीड इसकी टॉप है सर 268। हाँ सर, इससे भी महंगी आती है। हाँ हाँ, महंगी इससे भी आती है, मतलब ये स्पोर्ट्स सुपर बाइक, ये निंजा की बेस, मतलब बेस बोल सकते हो इसको, 6R निंजा। हाँ, अलग अलग मॉडल आता है, 300 निंजा, 300 ये 650। अभी मैंने सर ज़्यादा चलाई नहीं है एक्चुअली, अभी तो मैंने सिटी पे चलाई थी, अभी तो पहली बार जा रहा हूँ मैं यमुना एक्सप्रेस वे, ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, 150। हाँ भैया, जाओ अपना आराम से जाना, आराम से जाना भैया। हाँ ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, अभी सुबह के बज रहे हैं 6, एस्टिमेटेड टाइम अराइवल से हम थोड़े लेट है, कोई बात नहीं, हम रास्ते में कवर कर लेंगे। आज का हमारा टारगेट है सागर, बट हम टारगेट ऐसे पूरे एक बार में नहीं अचीव करेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करके, लाइक 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, हम ऐसे छोटे छोटे टारगेट पूरे करके फाइनल टारगेट कंप्लीट करेंगे। बट द सागर इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, और करानी है इसकी फ्यूलिंग। वैसे तो दिल्ली में फ्यूल का रेट इन कंपेयर टू यूपी ज़्यादा है, तो मैंने सोचा नोएडा में ही हम फ्यूलिंग कराएंगे और कुछ मंचिंग भी हो जाएगी नोएडा में। आई विल कीप रिकॉर्ड डेटा ऑफ एवरीथिंग, कितने डिस्टेंस हमने कितने देर में कंप्लीट की, हमने कितने ब्रेक्स लिए, ये सारी चीज़ें मैं इसकी रिकॉर्ड कीप करने वाला हूँ, और आप लोगों से मैं इस टूर के एंड पे मैं शेयर भी ज़रूर करूँगा, और जो बिगिनर्स हैं, जितने मैंने क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई, क्या क्या मुझे दिक्कतें हुई इस होल जर्नी के दौरान, मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगा और बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए जब आप लॉन्ग ड्राइव पे निकलो, एंड एवरीथिंग। अभी सुबह के बज रहे 6:30 एंड वी आर इन नोएडा, मौसम का हाल कुछ इस प्रकार है, थोड़ी ठंडक है, चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेट्स सी, देखते हैं हाउ फास्ट वी कैन गो बट सेंसिबली। कुछ दूर तक आए पर राइडिंग भी कर देखेंगे।
हसदाम गया XP95 का 110। अभी मैं दिल्ली से फ्यूलिंग कराने आया हूँ, यहाँ डाल दो 990 990 वी डिड अवर फ्यूलिंग, इट कॉस्ट अस 990 फॉर ऑलमोस्ट 10 लीटर्स। दिल्ली में फ्यूलिंग ना करा गई, यूपी से फ्यूलिंग कराई, यूपी में फ्यूल थोड़ी सस्ती है। आगरा DL9S DU 48 पेन दो आपको। अरे पेन मुझे भी चाहिए होगा ना, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ सारा चीज। हाँ हमने आगरा तक का टोल लिया 205 रुपये, हमको 205 रुपये का टोल हमारा हुआ। 9 बज गए, हम पहुँचे अभी आगरा टोल। अभी 20 किलोमीटर आगे से एक एग्जिट है, हमने एग्जिट वहाँ से लेनी है। अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा सिटी और हमने लिए एक ब्रेकफास्ट ब्रेक, एक रोड के किनारे एक रेस्टोरेंट मिला है। अभी देखते हैं हम यहाँ मेन्यू में क्या क्या है। अभी हैव ऑर्डर्ड मसाला डोसा एंड कॉफ़ी। इधर ही होती थी लूटपाट, चंबल की घाटी, चंबल के डाकू, चंबल रिवर, ग्वालियर और धौलपुर के बीच, ग्वालियर एमपी, धौलपुर राजस्थान, ये नदी दोनों के बीच बहती है। यार इन मुरैना, मुरैना की गजब की खुशबू। Yes, I got these beautiful people, they are taking snaps of the Duke and RC 390 or 200 है वो, RC 200, अच्छा। So finally we have achieved our day one target. We have reached Sagar and this guest house will be stay for tonight. Okay, see you then.